हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बाल्टी से लैंप बनाना सिखाऊंगा। सो गाइस, वीडियो पूरा देखें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, एक बाल्टी ले लेनी है आपको, एक पेंट की, कैसी भी बाल्टी ले सकते हो आप। मैंने इसमें निशान लगा लिया 6.5 इंच पे, बॉटम से हम इसको 6.5 इंच से निशान लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। सो गाइस, इसको कट कर लेंगे हम। इस बाल्टी को 6.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया था, थोड़ा साफ करके नीचे से बॉटम से हमने निशान लगा लिया है। ये एक इंची पे पूरा नहीं काटेंगे, एक एक इंची का बॉर्डर छोड़ के और इसको कट कर लेंगे नीचे से। अच्छे से इसको साफ कर लेंगे एक बार। अच्छे से रेग मार मार के बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं। ये हमने बिल्कुल इसको क्लीन कर लिया है। ये ऊपर का हिस्सा होता है ना, उसको भी हमने क्लीन कर लिया है। ये थोड़ा हमारा निशान मिट गया था, दोबारा लगा रहे हैं हम एक बार। अच्छे से इसको यहाँ से क्लीन करके निकाल लेंगे, अच्छे से गोलाई में काट लेंगे इसको। हमने इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके रेग मार से बिल्कुल अच्छे से निकाल लिया है। इसके अंदर भी एक बार रेग मार मार लेते हैं हम। यहाँ पे भी हमने अच्छे से रेग मार मार लिया है। अब एक पीवीसी शीट ले लेते हैं। एक पीवीसी शीट लेके और पहले इसको देख लेते हैं, ये हमारा कितना इंच है। 11 इंच है ये हमारा, तो हमने 13 इंच का पीवीसी शीट ले लिया और इसको 2-2 इंच की पट्टी निकाल लेंगे इसमें से, कट करके यहाँ से। 13 इंच का इसलिए लेना है हमें पीवीसी का, ताकि हम एक एक इंच साइड से बैंड कर सकें। आगे पता चलेगा आपको मैंने 13 इंच क्यों लिया है। सो गाइस, ये देखो एक एक इंची यहाँ पे थोड़ा निशान लगा के इसको बीच में से और यहाँ से इसको बैंड कर लेंगे, क्लिप बना लेंगे गाइस इसको बैंड करके। थोड़ा हीट गन से इसको हीट करके और ऐसे क्लिप तैयार कर लेंगे दोनों। ऐसे एक बार इसको लगा के देख लेते हैं, अच्छे से हमारा ये फिट हो चुका है। यहाँ पे बीच में इसमें एक होल करेंगे, पहले साइड में होल कर लेते हैं इसको टाइट करने के लिए, स्क्रू के लिए। तो गाइस, अब इनको साइड में रख के ये पीवीसी टेप ले लिया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी शॉप पे आपको मिल जाएगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक के आइटम मिलते हैं आपको, 10 रुपये की आती है ये। इस पे ऐसे आप देखना बिल्कुल जैसे आपको डिज़ाइन निकालना हो इस बाल्टी पे, इसके कवर पे, इस लैंप पे, उसी हिसाब से आप ये पीवीसी टेप लगा लें। इससे क्या है ना कि मार्किंग अच्छे से निकल जाती है हमारी, मार्क करते हैं तो और ग्राइंड करते हैं उसको, फिर वो मार्किंग हमारी मिट जाती है, इससे मिटती नहीं है, निशान अच्छे से रह जाते हैं। सो गाइस, देख सकते हो आप, अगर ऐसा डिज़ाइन बनाना है तो ऐसे इस पे पीवीसी टेप लगा लेना है, पहले एक ऊपर एक नीचे। अब जो ये पीवीसी टेप लगाई है हमने, इसको कट अंदर के हिस्से को काट लेके अलग कर लेते हैं हम। अच्छे से हमने ये अलग कर लिया है। अब इसमें थोड़ा रेग मार मार के इसको प्लेन कर लेते हैं ये हिस्से को। सो गाइस, एक ये डिफ्यूजर शीट ले लिया हमने और इसको नाप के अच्छे से गोलाई में कट कर लेते हैं। ये डिफ्यूज़र सीट होती है गाइस, बता दूं मैं, एलईडी बोर्ड वगैरह जहाँ बनते हैं ना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हो।
अच्छे से काट के इसको फिक्स कर लेते हैं। साइड की भी मैंने एक डिफ्यूज़र सीट ले ली है, इसको भी साइज नाप के अच्छे से इसको कट कर लेते हैं। ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती गाइस, ये 100 रुपये में आपको मिल जाएगी है। देख लेते हैं इसको फिक्स करके। बाकी जो हमने क्लिप बनाई थी ना, क्लिप बनाई थी टगान लगाने के लिए, इसको एक बार स्क्रू टाइट करके इसमें होल्डर लगाने के लिए होल कर लेते हैं बीच में। ऐसे यहाँ पे बीच में एक होल कर लेते हैं होल्डर लगाने के लिए। ये हमने होल्डर ले लिया, इसमें वायर लगा लिया हमने। इसमें लगा लेंगे और ऊपर वाला ये निकाल लेंगे इस क्लिप, नीचे वाले में इसको होल्डर को फिक्स कर लेंगे ग्लू लगा के अच्छे से। ऊपर वाले में ग्लू नहीं लगाना गाइस हमें, अभी बस इसको टाइट करके अच्छे से। गाइस एक ये कवर ले लेते हैं, फैन बॉक्स का कवर होता है, झूमर बॉक्स का कवर होता है जो, उसमें अच्छे से इसके होल को मेज़र करके इसमें होल कर लेते हैं। अब अंदाजे से भी होल मेज़र कर सकते हैं। सो गाइस अब इस पे पेंट कर लेते हैं हम। ये हमारा पेंट होके रेडी हो चुका है। अब जो हमने अपनी डिफ्यूज़र सीट काटी थी ना, उसको लगा लेते हैं एक बार, इसको खोल के अच्छे से ग्लू के साथ उस डिफ्यूज़र सीट को सेट कर लेते हैं। अच्छे से ग्लू लगा के सेट कर लेते हैं। साइड वाली शीट को भी ग्लू लगा के सेट कर लेते हैं एक बार। और जो इसका ये जॉइंट है इसके पीछे रखेंगे हम ताकि ये दिखे ना। ग्लू लगा के इसको मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल रेडी हो चुका है अब। तो हमने जो क्लिप बनाई थी उसको लगा लेते हैं एक बार इसमें, फिर मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। ये लगा के बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ। आप तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।